What's up YouTube, welcome back to my channel Prasad's Moto Vlog। दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा मेरे गांव का महाईश्वरी टेंपल, वैसे आज हम आए हैं तरंदड़ी गांव में। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं ये यहाँ का फेमस टेंपल विठ्ठल रखुमाई टेंपल। तो ये टेंपल का उद्घाटन जो है वो इसी साल मतलब 2019 में 8 मई को किया गया। वैसे ये मंदिर नए से आपको दिख रहा होगा लेकिन फिर भी इसको 100 साल पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। तो 100 साल पहले यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल था, गांव के लोगों ने आपस में बातचीत करने के लिए या फिर इम्पोर्टेंट डिसीजंस वगैरह लेने के लिए एक कम्युनिटी हॉल यहाँ पर बनाया था। उसके बाद 20 साल बाद यहाँ के ही गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक टेंपल बनाया जाए। तो उसी तरह से लोगों की सोच को उन्होंने असलियत में लाके यहाँ पे विठ्ठल रुक्माई का टेंपल बना दिया। और पहले हम लोग अंदर चलते हैं, मैं आपको पहले मूर्ति दिखा देता हूँ उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। तो जैसे कि आप सामने देख रहे थे टेंपल के एग्जैक्ट सामने तुलसी वृंदावन है। तुलसी वृंदावन शायद आपको पता रहेगा। और उसके सामने ये ह्यूज टेंपल, अभी ये काफ़ी नया दिख रहा है आपको लेकिन लगभग एक साल पहले अगर आप आते तो यहाँ पे जो पुराने ज़माने वाले जो कोकण ट्राइब के टेंपल्स रहते हैं तो वैसे ये टेंपल था। कौलों से मतलब अभी ये पूरा स्लैब से बनाया हुआ है लेकिन बहुत ही पुराना टेंपल था ये। तो चलो पहले हम लोग अंदर चलते हैं। टेंपल के अंदर जाने के लिए ये कुछ स्टेयरकेस है। अंदर जाते ही आपको नोटिस होगा कि यहाँ का जो मेन सभागृह है वो काफ़ी बड़ा है और उसके दोनों बाजू में बैठने की व्यवस्था की गई है और सामने ये बड़ी 2 घंटा है। तो चलो अंदर चलते हैं घंटा नाद करके। ओ काफ़ी बड़ा साउंड है। तो अंदर आते ही हमें ये सभागृह दिखता है। तो दोस्तों यह है यहाँ की मेन मूर्ति, विठ्ठल रुक्माई की मूर्तियाँ। यहाँ पे अभी चौकोन आकार का गाभारा है लेकिन इससे पहले एक राउंड शेप में था गाभारा जो पुराने टेंपल में था, लेकिन अभी नई बनाने के बाद ये लोग ने स्क्वायर शेप में बनाया। और यही जो इलेक्ट्रिक ढोल है जो अभी आपको बड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो काफ़ी खर्चा किया गया है ये मंदिर को बनाने में। अभी हम लोग गाभारे के पीछे की तरफ से एक प्रदक्षिणा मार रहे हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा इसका सभागृह है। और ये टेंपल की जो मूर्तियाँ हैं वो भी 80 साल पुरानी है, नई नहीं है। जब टेंपल बनाया गया यहाँ पे 80 साल पहले तो गांव के एक व्यक्ति ने इन मूर्तियों को पंढरपुर से लेके आए थे। आप देख सकते हैं दोनों बाजू में संतों की मूर्तियां बनाई गई हैं। और अंदर देखेंगे तो विठ्ठल रुक्माई की मूर्तियां। गाभारे के अंदर भी 2 बड़ी समई रखी हुई हैं। अभी इनका हिंदी में मुझे उच्चारण नहीं आता। अभी हम लोग टेंपल के बाहर आ गए दोस्तों। टेंपल आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। और एक बात आपको बताना भूल गया दोस्तों, ये टेंपल प्राइवेट टेंपल है, यहाँ का जो सावंत समाज है उनको बिलोंग करता है ये टेंपल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय दोस्तों।